नमस्कार दर्शक મિત્રો, એક્ઝોટિક ફેબ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે. આપણી એજ્યુકેશન પેનલ ચાલી રહી છે. આજે આપણે વાત કરીશું ફિઝિક્સના વિષયની સાથે ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે. આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે મિસ નિલેશભાઈ જોશી, જો એલિટ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ છે. સચિનજી તેઓ આપણા માટે અહીંયા આવ્યા છે. સાહેબ આપનું સ્વાગત છે આજે એક્ઝોટિક મીડિયામાં. દર્શક મિત્રો, આપણે બતાવી દઈએ કે એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા એજ્યુકેશનલ પેનલનો આ ચોથો દિવસ, અને આપણે વિદ્યાર્થીઓ અને દર્શક મિત્રો માટે વિવિધ સબ્જેક્ટ ઉપર રોજે રોજ વાત કરતા રહ્યા છે. આજના આપણા કાર્યક્રમના સ્પોન્સર છે સ્માર્ટ એચઆર સર્વિસીસ, જે નવી મુંબઈથી છે. એરપોર્ટ રિલેટેડ જોબના રિક્રુટમેન્ટ માટે અમે ટ્રાય કરીએ છીએ. 10મા 12મા પરીક્ષા અપાવ્યા પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે તમે આ વિષયમાં વિચારો છો, ત્યારે જરૂરથી અમારો સંપર્ક કરશો. આજે આપણે વાત કરીશું ફિઝિક્સના સાથે. સાહેબ, ધોરણ 12 અને સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામના ફિયરમાં ખૂબ જ ડરતા હોય છે. તેઓને ખૂબ ડર લાગતો હોય છે કે હવે એક્ઝામના દિવસો ખૂબ નજીક આવી ગયા છે, અને મુખ્ય સબ્જેક્ટ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીઓના મુખ્ય સબ્જેક્ટ છે. તો આ વિષય માટે આપ તમે શું કહેશો? સૌથી પહેલાં તો ફિઝિક્સ ક્યાં હૈ ઓર ઉસમે આપ કિસ તરહ સે બચ્ચો કો કુછ અપડેટ દે પાઓ? પહેલે તો મેં 10વી પાસ હોકર જિસે ભી સાયન્સ લિયા उन बच्चों को बहुत ही धन्यवाद करूँगा. पूरे भारत में और गुजरात में एक सर्वे हुआ था, जो बच्चे 100 पास होते हैं उसमें से 7 ही बच्चे साइंस ले पाते हैं, और आपने 11वीं पास कर ली तो आप 12वीं तो पास कर ही लेंगे. इसलिए आप पहली बात तो आप कोई किसी भी प्रकार का टेंशन मत रखिए, बहुत ही बढ़िया होगा. आप 12 साइंस के स्टूडेंट हैं, इट्स सेल्फ प्राउड. आप कहीं भी किसी को भी कहोगे कि मैं 12 साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ्स और बायो पढ़ रहा हूँ, तो ये क्रेडिट है. और अब पूरे 10वीं के बाद 11वीं आपने पसार की, 11वीं में आप पढ़ाई की, अब 12वीं में आपने देखा है, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. और फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर. अब जितना भी नेचर के साथ रहोगे इतना फिजिक्स आसान है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. पूरी टेक्नोलॉजी, सुबह से आप उठिए और शाम को सोए के तब तो जो भी टेक्नोलॉजी है वहाँ फिजिक्स का टच है. फंडामेंटल फिजिक्स है, उसके बाद इंजीनियरिंग आती है, और हर चीज में फिजिक्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. और एक्सीलेंट सब्जेक्ट रिलेटेड विथ लाइफ फोर्स. जिसने फिजिक्स समझ लिया वो वर्सेटाइल हो जाएगा जी. उसको बाकी कोई भी सब्जेक्ट आसान लग जाएंगे. वो इतना हार्ड पढ़ रहा है. आप सोचिए 2300 साल पहले टॉलमी ने जो कि क्या था, जो कुछ उसने दिया था वो हम पढ़ रहे हैं. 2300 साल का नॉलेज पढ़ रहे हैं हम. दिस इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट. तो डायनेमिक सब्जेक्ट पढ़े हुए तो उसके प्रॉपर मेथड है. ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे लिटरेचर की तरह पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं कि निबंध लिख देंगे, रट्टा मार देंगे, ऐसा नहीं है. बहुत ही आसानी से धीरे धीरे पढ़ो, समझो, धीरे धीरे पढ़ो, समझो, तो बहुत आसान है. यू एंजॉय जी. बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट को हम हर विद्यार्थियों को इतने दिनों से यही बता रहे हैं कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हो उसमें एक रस लेके पढ़ा जाए, उसमें आप इंटरेस्ट रखोगे तो उस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरह से उसको कवर कर पाओगे. आज हम खास करके बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थी बहुत डरते हैं, उनको फिजिक्स के सब्जेक्ट में बहुत डर लगता है. कितने पेरेंट्स भी बहुत डरे हुए होते हैं कि भाई फिजिक्स में किस तरह से बच्चे अपने मार्क्स कवर करेंगे. तो सर हम इनको बताना चाहेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, तो ये मार्क्स बच्चे कैसे कवर कर पाएंगे, इसके बारे में आप कुछ बात बताएं. मैडम, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छा सवाल किया है. अभी 9 दिन बाकी रह गए हैं बच्चों, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए. जो मेरी बात आपने बराबर ध्यान से सुन ली और आपने पुट अप कर दिया जी. तो मैं श्योर कहूंगा, श्योर आप 100% मोर देन 50, 60, 70 मार्क ले आएंगे. अब ध्यान से सुनिए, जो नॉलेज गेन करना अलग बात है और मार्क लाना अलग बात है. अगर नॉलेज गेन करना है तो आपको बहुत ही बुक्स पढ़नी पड़ेगी, टीवी देखना पड़ेगा, फिल्म देखनी पड़ेगी. लेकिन अभी वो बात गई, अभी बात है 9 दिन हमारे पास रह गए हैं. तो सबसे पहले हम 10 पेपर कलेक्ट कर लेते हैं. फिजिक्स से कहीं से भी 10 पेपर ले लो जी. दूसरी बात, उसकी ब्लू प्रिंट है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए. आप हिस्टोरिकल बेच हो, आप लास्ट टाइम अभी 50 मार्क MCQ और 50 मार्क थियोरी, अब ये लास्ट चांस है जी. तो सरकार भी इतने के भाई जितने भी बच्चे पास हो जाए अच्छा है, कि भाई चलो हमको रखना नहीं है जी, जी, जी. आप सोच लें कि भगवान की कृपा है हम पे,
और 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव, तो पार्ट वन उसमें से 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव, पार्ट टू में से 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क का सब्जेक्टिव, पार्ट वन में से 25 मार्क का सब्जेक्टिव, पार्ट टू में से 25 मार्क का सब्जेक्टिव। अब ध्यान से सुनिए, 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेंगे जो सीधे डायरेक्ट ही है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सपोज विद्युत घनता का एकम क्या है, तो सीधा ही लिखना है एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे तो 15 ऑब्जेक्टिव है 50 में से, उसके बाद और 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे है जो वन स्टेप और टू स्टेप कैलकुलेशन है जो अंडरस्टैंडिंग के है। 15 और 15 30 हो गए, तो एक स्टेप में आप कैलकुलेशन रखोगे, दूसरे में उसकी वैल्यू रखोगे, उसका यूनिट लिखोगे, तो आंसर आ जाएगा। वो भी टेक्सचुअल पूछते हैं, तो वो 15 और 15 हो गए 30 और बाकी रह गए 5 मार्क, वो 3-4 स्टेप वाला ऑब्जेक्टिव पूछते, तो चिंता मत कीजिए उसकी। चलो सपोज वो रह भी जाते हैं तो और बाकी के 15 ऐसे हैं तो वो टेक्स्ट बुक से ऐसे पूछेंगे कि आपको 3-4 स्टेप की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो 15 मार्क के सिंपल एकदम नॉलेज बेस है, और 15 मार्क के अंडरस्टैंडिंग वाले है, 5 मार्क वाले स्किल बेस है, और बाकी के 15 कैलकुलेशन वाले हैं। तो हमको वो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्टुअल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। और एक बात ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 में, 3 चैप्टर के तो सिर्फ एमसीक्यू पूछने वाले, उसमें थ्योरी में नहीं पूछने वाले, उसमें नहीं एमसीक्यू कुछ नहीं आने वाला एग्जांपल। तो 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो ऐसे ही निकल गए, हमको 12 ही चैप्टर भी करने हैं, जो 9 मार्क के ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 चैप्टर 2 चैप्टर 8 उसमें ही पूछने वाले हैं, ये तो बहुत आसान हो गया। अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि 2 मार्क के क्वेश्चन जी, तो जो बच्चों मैं आपको एक बहुत टेक्निकल गाइडलाइन देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव अपने ध्यान से एक बार देख लिया, उसका राउंड डायरेक्ट हुए मार्क में करना है, आपको पेपर में कहीं नहीं करना है जी। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि आप अपना पेपर एक्सचेंज करने वाले हो, नहीं वो करना ही नहीं हमने, ये ऑब्जेक्टिव आगे हमने टिक कर दिया, ये हम लोग आगे टिक नहीं आता है, उसको स्किप कीजिए, आप आगे बढ़िए। सेकंड राउंड लीजिए, तो सेकंड राउंड में वो फिर भी सपोज नहीं आता है तो कोई भी ऐसे लिख लीजिए, जैसे 3-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं जी। आपने पूरे टेक्स्ट बुक के मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के 250 ऑब्जेक्टिव है, आप एक बार कर लो तो बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव का पेपर 1 घंटे में हो गया, उसके बाद दूसरा पेपर 50 मार्क का आएगा, तो 4 मार्क के क्वेश्चन सबसे पहले लिख रहे हैं, 4 मार्क के विदाउट फेल 4 मार्क के पहले लिखेंगे, 3 मार्क के लिखेंगे, उसके बाद में हम 2 मार्क के लिखेंगे। इस करने से क्या होता है, विद इन टाइम लिमिट 2 आवर में हम बाकी के 50 मार्क आराम से लिख सकते हैं। अगर हमने 2 मार्क का पहला लिखा, उसके बाद में 3 मार्क का लिखा, उसके बाद में 4 लिखा, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 4 मार्क में कितनी लेंथ रखनी है, 2 मार्क में कितनी लगनी है। तो पहले 4 मार्क को जस्टिफाई कर दीजिए, बोर्ड ने इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग दिया है चैप्टर पार्ट 1 में, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी और चैप्टर 6 ऑप्टिक्स, उनमें से 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 3 में जो एग्जांपल प्रूफ है, जो एग्जांपल को साबित करना है, एनालिटिकल टाइप के एग्जांपल है, वही पूछते हैं, बहुत आसान है। एक बार सर्किट का प्रॉपर डायरेक्शन से करंट फ्लो दिखाइए, 3 स्टेप लिखिए, प्रॉपर यूनिट लीजिए, तो मैक्सिमम 1.5 पेज और 2 पेज में 4 मार्क गेन कर सकते हो। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन अभी बता देता हूँ, चैप्टर 6 में वो आएंगे आएंगे आएंगे। प्रिज्म का क्वेश्चन I+E = A+δ विदाउट फिल कर दीजिए, वो आएगा ही। एक उसका दूसरा एक थ्योरी है, ηsinA+δm/2/sinA/2, मोस्ट टाइम की थ्योरी है, वो तो पूछते हैं। मैंने पहले कहा ना आपको 10 पेपर ले लीजिए, तो उसमें है ये सब। उसमें एक ऑप्शन भी आता है 6 में, उसका ऑप्शन में एक प्रूफ एग्जाम्पल आता है, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 8 मार्क आ गए। उसके बाद में पार्ट 2 में सबसे बढ़िया चैप्टर एसी करंट, उसमें से बहुत बढ़िया थ्योरी आती है, P = VRMS IRMS cos δ, पूछते हैं क्यू फैक्टर, वो भी आता है। मित्रों जब हम प्रिपेयर करने बैठते हैं तो जो भी प्रिपेयर करें, वी मेक अवर सेल्फ नोट, बहुत ही बढ़िया लिखो, आप खुद का लिखो, डोंट डायरेक्ट कॉपी कट पेस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और फ्रॉम अदर मटेरियल, अपना खुद का लिखो, जो आप खुद अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, खुद समझ रहे हो कितना आपको चाहिए। उसके बाद 7वीं प्रकरण, बहुत ही आसान 7वां प्रकरण, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो 7वां प्रकरण में भी आप एक एग्जांपल ऑफ थ्योरी ऑप्शन अपने पास, बच्चों मैं एक बात आपको कहूंगा, आप ऑप्शन वाला मत लिखना, क्या मुझे आता है फिर भी मत लिखना, अपने को 4 पूछे 4 लिखना है बस, और उसके बाद में 3 मार्क के क्वेश्चन में जाना है। तो आप सोचो जरा,
कि एक बार ब्लूप्रिंट को आपने समझ लिया है तो बहुत आसान है, फिजिक्स में तो फेल होना डिफिकल्ट है। अब पहले सोचिए, ग्यारहवीं मैंने पास की, दसवीं पास की, तो ये तो आसान है। और उसके बाद पूरा पेपर स्टाइल देख लो जी। और जब भी टाइम मिले तो नीट और जीके लिए अगर प्रिपरेशन, वो तो डिप पे ही करनी है, वो तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छी बात सर ने आपने बताया, सर आपने बताई। और दर्शक मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ में है आज मिस्टर नीलेश जोशी, जिनको 18 साल से जिन्होंने एलडी स्कूल में स्टूडेंट के साथ में काम किया है और पीएचडी हुए हो फिजिक्स में। और दर्शक मित्र, आप अगर इस चैनल को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो कितना इजी तरीके से बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने पेपर सॉल्व करो, कौन से प्रश्न आपको पहले लिखने हैं, और ब्लूप्रिंट अगर आपने वो देख लिया है तो आपके लिए सर का कहना है कि फिजिक्स में पास होना बहुत ही आसान है, शायद उसमें फेल होना मुश्किल है। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई। दर्शक मित्र, आपको एक बार फिर से बता दें, आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्मार्ट एचआर सर्विस, जो नई दिल्ली मुंबई से है, और एयरपोर्ट रिलेटिंग जॉब हम रिक्रूटमेंट यहाँ से करवाते हैं। आपको आफ्टर 10th और 12th की एग्जाम के बाद में हमारा संपर्क करना है। आप अभी भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक्जोटिक वेब पेज को लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। हम सर से आगे बात करेंगे। सर, कई बार बच्चे पेपर किस तरह से लिखना है ये मिस्टेक करते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि इस पेपर को हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, एंड तक पहुँचते पहुँचते या तो उनका टाइम खत्म हो जाता है या वो थक जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो ये बहुत उनमें थोड़ी सी इस बात पे आप बताएंगे कि किस तरह से वो अपना पेपर लिखे। मैडम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। बच्चों, जितना वेटेज प्रिपरेशन का है उतना ही वेटेज प्रेजेंटेशन का है जी। डेफिनेट प्रेजेंटेशन का। सोचिए, फिजिक्स में कहीं डॉट रखना है, कभी वेक्टर लिखना है, कभी क्रॉस करना है, कभी प्रॉपर यूनिट लिखना है, पूरा जो लिखना है वो सिस्टम लिखना है। बच्चों, मार्क पाने की गरज हमारी है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख देंगे तो कौन चेक कर देगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। सही बात, क्योंकि एक एक फिजिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन का एक वे है, वे पूरा रिसर्च पेपर की तरह ही लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप लिख लो। चलो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एग्जांपल की पूरा फिगर प्रॉब्लम पढ़ लिया पूरा, तो उसमें से आपको तीन चीज एग्जांपल के लिए, नॉट फॉर एग्जांपल, फॉर लाइफ आल्सो। चलो, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, पूरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा तो ये सब दिया है, तो हमने उसको मेंशन करना है डेटा कि चलो भाई वेलोसिटी दिया है, फोर्स दिया है, एनर्जी दिया है, टाइम दिया है, वो लिखना है। सेकंड, क्या फाइंड करना है, क्या ढूंढना है, वो हमको कैसे, तो वो क्वेश्चन मार्क करोगे, हमको फोर्स फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है, क्या दिया है, क्या ढूंढना है, और लास्ट कैसे, तो कैसे ही हमको याद रखना है, बाकी के दो चीज तो अंदर है। पूरा दरगो एग्जांपल का हमने एनालिसिस किया, 33 33 33, तो 66% तो उसमें ही है, अपने को लर्न करना है, लर्न पूरा, तो वो ये एग्जांपल के लिए ये इक्वेशन है, या वी सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, वी डू कैलकुलेशन, एंड देन आफ्टर वी राइट द आंसर विद प्रॉपर यूनिट। बच्चों, कुछ भी लिखोगे प्रॉपर वे से हर एक का मार्क मिलता है, आपका मीटर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो आपका ऐसा मत लिखो कि मैं एक लिख दूंगा, किसी से टपका दूंगा, ऐसे लिख दो मार्क, ऐसा नहीं होता। आपने पूरा डेटा मेंशन किया तो आपको एक मार्क, आपने इक्वेशन लिखा आपका हाफ मार्क, आपने कैलकुलेशन किया आपका हाफ मार्क, आपने पूरा आंसर सही है उसका हाफ मार्क, और प्रॉपर यूनिट उसका हाफ मार्क, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी, बोर्ड इतनी केयर लेती है, कभी भूल से किसी ने आंसर लिखा और भूल से गलती से रॉन्ग कर दिया जी। तो बोर्ड के एग्जामिनर अगर सही लिखा है तो उसको भी मार्क देंगे। वो होता ही है एवोल्यूशन, वो जानते ही है, 12th का ईयर है, एक मार्क के लिए कितनी कंपटीशन है जी। लेकिन आप ऐसे प्रॉपर चलना है, प्रॉपर लिखना है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी 9 दिन बाकी रहेंगे, 3 दिन फिजिक्स के, 3 दिन केमिस्ट्री के, ओ टाइम तो है अपने पास, उसके लिए कोई टेंशन मत लो जी। मतलब अगर 3 दिन में अगर वो फिजिक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, 10 पेपर करना है, 10 पेपर विदाउट फेल करना है, हो जाएगा। मतलब कई बार ऐसे होते हैं, मैंने आज किसी से सुना तो वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को एग्जाम के बिफोर, जैसे अभी उनके पास में हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 दिन बचे हैं, तो एक पेपर डेली उनको टाइम में लिखना चाहिए। जैसे 3 to 6 का आपका पेपर का टाइम है, तो रोजाना अभी आप एक पेपर इस तरह से लिखने की कोशिश करो, तो आप इस तरह से फिक्स हो जाओगे कि मैं 3 घंटे में कितना लिख सकता हूँ। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। अच्छा, आप फिजिक्स के टीचर हो, 20 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हो,
सॉरी, तो फिजिक्स को अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए कैसे पढ़ सके ये बात बताएं। मैडम ने बहुत अच्छा समझ है बच्चों, जब कुछ चीज में हमें इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट तो हमको थोड़ा समझ में आएगा। तो पहले तो आप यहाँ तक पढ़े हो, आपकी एज भी हो गई है 17-18 साल की, आपका हॉर्मोन्स चेंजेस भी पीक पर है, तो उसका भी आपको फायदा हो रहा है जी। तो आप कोई भी सब्जेक्ट को, नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वॉट एवर, कोई भी, आपको इसको कैसे एंजॉय करोगे? तो एंजॉय करने के लिए एक ही प्रायोरिटी है, आपको धीरे से डीप में जाना है, आपको थोड़ा पेशेंट रखना है और डीप में जाना है, और हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछना है, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, आपके अंदर एक हैबिट हो जाएगी। उसके बाद सर जो पढ़ा रहे हैं, आप होली हार्टेड कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो मैं सोच रहा हूँ तो सब कह ही रहे जी। तो धीरे धीरे आपको लग जाएगा ये तो मेरा पेट सब्जेक्ट है, ये तो मेरे लिए आसान है, तो वो आसान हो जाएगा, तब आप पूरा उसको एंजॉय कर पाओगे। अभी 9 दिन बाकी है तो टेंशन मत लो, अभी हमको ब्लू प्रिंट देखना है, तो ब्लू प्रिंट में 15 ऑब्जेक्टिव ब्लू प्रिंट में दिए है उस चैप्टर में, और कागज पेन लेकर लिख लो कि डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन पढ़ सके, जहाँ सिंपल डायरी के पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट जी, डायरी के पूछा है व्हाट इज फोटॉन, डायरी के पूछते हैं कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो एक मार्क के 15 क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो तो लंग टर्म हो, लिख लिख के करो, तो आपको पता चलेगा, आपको थोड़ा पता चलेगा ये, और जब पता चलता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट एफ इंटरेस्ट का, यू प्रिपेयर योर नोट फर्स्ट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड, और यू समटाइम कहीं कहीं सब देखो कि भाई ये मैंने जो पढ़ा था उसके साथ रिलेटेड है, उसको रिलेटेड करो, तो वो आसान हो जाएगा जी। जब जब सब्जेक्ट आसान हो जाएगा तभी मार्क आ सकते, तभी नॉलेज गेन हो सकता है, अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया किसी भी तरह से, तो ये उसके लिए टाइम भी दो जी, वो भी आसान जी। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई कि हर एक सब्जेक्ट में आप रस लेके, इंटरेस्ट लेके, तो 3 दिन में भी अगर आप एक सब्जेक्ट को 3-3 दिन दे रहे हो, तो इस हिसाब से भी आप बहुत अच्छी तरह से अपना स्कोर कर पाओगे। सर कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्कोरिंग मार्क्स वो हाई फाई मार्क्स नहीं ला पाते, 95 आप नहीं ला पाते, उनको 35 पासिंग मार्क तक पहुंचना है, तो वो किस तरह से तैयारी करें एंडिंग टाइम में, आई मीन टू से कि किस तरह से वो रिविजन करके कुछ मुख्य क्वेश्चंस को पढ़ के अपना पासिंग मार्क्स तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे सामने जो भी दर्शक बैठे हैं वो सारे अव्वल नहीं है, उनमें कुछ नॉर्मल बच्चे भी है जो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, तो उनको थोड़ा सा आप इस तरह से गाइडेंस कीजिए कि वो बच्चे किस तरह से स्कोर तक पहुंचाए। बच्चों मैडम ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, अब ध्यान से सुनिए, चैप्टर 5, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 वो सिर्फ एमसीक्यू के हैं जी, तो उसके आपके 9 मार्क गिन लो। उसके बाद चैप्टर 3 में एनालिटिकल एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन में 4 जी, तो 4 में से एक एग्जांपल तो आएगा ही आएगा ही आएगा, 9 और 4 13। उसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक थ्योरी है, इलेक्ट्रिक करंट, एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, उसका रिलेशन है और उसका एक एग्जांपल है जी। विदाउट फेल उसका भी एक आता ही है, उसका 4 मार्क गिन लो, 17 मार्क जी। उसके बाद बच्चों चैप्टर 1 में 2 मार्क की थ्योरी, चैप्टर 2 में 2 मार्क की थ्योरी, वो डायरेक्ट पूछते हैं जो व्हाट इज चार्ज जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज जी, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, तो वो 2 और मार्क, वो 2 और मार्क, 4 मार्क। अब बच्चों ब्लूप्रिंट आप समझ लोगे, 10 पेपर करोगे तो विदाउट फेल, विदाउट फेल आपके मोर देन 50-70 मार्क आएंगे जी। और मैडम एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो बच्चे 90 से कम लाते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, दुनिया को चलाने वाले मीडियोकर स्टूडेंट ही होते हैं जी, वैसा मत सोचो कि अगर टॉप में चले जाएंगे तभी दुनिया चलेगी, तभी हम माता पिता की सेवा कर पाएंगे, देश के सर्वे, ऐसा कुछ नहीं है जी, जी, जी। आप पैदा हुए उससे पहले भगवान ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है, सही बात है। आप टेंशन मत लो यार, आपको अभी जो करना है योग कर्मेशु कौशलम, आप बढ़िया करिए, डू बेस्ट, जितना हो सकता है बेस्ट तो कीजिए, अभी छोड़िए पूरा कोर्स, छोड़िए रिविजन, जितना हो सकता है चलो इतना तो कर ले, अभी 9 दिन भी कम नहीं है,
महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, तो चलो कोई बात नहीं, अपने पास हाफ तो है, तो हाफ तो काफी है, आधा जीत सकते हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि कम दिन है आपके पास, 9 दिन है कुछ न्याय देके, आपने पूरे साल भर तक पढ़ाई की है, थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छी तरह से बैठ के, 2-3 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए दो, तो आप बहुत अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, आपने बहुत सारा साल एजुकेशन फील्ड में लगाया है, तो हम पेरेंट्स को क्या बताएंगे कि भाई एज अ पेरेंट्स आजकल हर मम्मी पापा एक तो कंपेयर करते हैं, बाजू वाला का बच्चा का 90 आया तो हमारे बेटे का भी आना चाहिए। तो मैं आप सभी से एज अ चैनल से भी ये कहना चाहूंगी कि प्लीज दर्शक मित्रों, इस तरह की सोच आप बदल दीजिए। आपका बेटा आपका खुद का है, उसमें कितनी कैपेसिटी है आपको पता है, उसको खुद को भी पता है। सर आप इस बारे में दर्शक मित्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैडम अभी आज ये क्वेश्चन आपने किया ना जी, ये पूरे एजुकेशनल सिस्टम के रिलेटेड है जी, बहुत बढ़िया किया जी। सांदीप्य ऋषि के पास कृष्ण भगवान 14 विद्या सीखने गए थे जी, और उन्होंने ये 14 विद्या बहुत शॉर्ट टाइम में सीखी जी, वही जीवन में काम आती है। ये पूरी पढ़ाई कहीं भी जीवन में काम नहीं आती, नहीं आती, सही बात है। अब एक दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है 1 से 5 साल तक, तो उसको बहुत ही प्यार की और उसकी सेवा की जरूरत होती है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। 6 साल के बाद 16 साल, ये 10 साल ऐसा होता है ये अलग टाइम से गुजर रहा है जी। वो थोड़ा नोटेरियस भी होगा, थोड़ा चंचल भी होगा, तो तभी उसकी बात नहीं माननी है, वो सड़का इसमें ये नहीं चलेगा बेटा, इस ऐसा ही करना है, ये नहीं चलेगा जी। उसकी जीत को संतोष नहीं है, लेकिन 16 साल के बाद वो अमर फैल है जी। हाँ ठीक है, कभी कभी कोई गलती पे महीने में 6 महीने बार उसको डांट दो, लेकिन फिर भी ओवरऑल वो फ्रेंड है, उसका रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो, वो उसके साथ इसी तरह बिहेव करें हम, कहते वो भाई हमने ये जमाना देखा है, ये आ सकता है, हम यहाँ तक आपको मदद कर सकते हैं, तो वो भी समझेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये बच्चा स्मार्टफोन यूज कर रहा है, वो ये हमारी बात नहीं सुनेगा, बहुत गेम है, हम हमारे जमाने में ऐसे थे, हम तो स्ट्रीट की पोल से पढ़ते, तो वो तो ऐसे कहेंगे कि आपको घर में लाइट नहीं थी तो वहां पढ़ने गए, हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते जी, उसको ऐसे ही करके बेटा देखो अभी हम ये सोच रहे हैं तुम्हारा जो भी फ्यूचर है इतना। मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, मेरी परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि अपने बच्चे का रिजल्ट हमारा विजिटिंग कार्ड नहीं है जी, वो एक यूनिक है, उसमें खूबी भी है खामी भी है, जैसा भी है वो हमारा है जी, सही बात। उसमें प्लस भी है माइनस, हम भी थे 16 साल, हम कैसे थे, हम भी तो ऐसे थे, हम कहाँ है अभी, आज हम 50 साल के हो गए, फिर भी कुछ कमी लग रही है, तो वो तो बहुत छोटा है, तो उसमें तो होगी ही होगी, वो बढ़ेगा अपने आप में, सीखेगा। बच्चे पुस्तक से ज्यादा वो हमारे व्यवहार से ही सीखता है, को देखता है पापा कैसे बात करते हैं, मामा कैसे बात करते हैं, वो ही सीखता है। पेरेंट्स को भी आप टेंशन में मत आइए, मैं देख रहा हूँ जिसके मैडम मैं देख रहा हूँ मेरे पास तो बहुत वालिया थे, बच्चे से ज्यादा तो माता पिता वो पता नहीं कैसे बिहेव करते हैं, अरे क्या ये और थोड़ा है, और आप उसको जरा लाइटली लीजिए, चलो भाई बेटा एक बार फेल भी हो गया तो नॉट वरी मैं हूँ। अरे हमारे जय वसावड़ा है ना, वो गुजराती में बहुत अच्छा कहते हैं कि रिक्शा ने परीक्षा आवे ने जाए, पर ये सुसाइड ना था, मतलब आपको तो संभालना है बच्चे को, बेटा मैं हूं ना यार, टेंशन मत यार, जितने भी मार्क आएंगे मैं देख लूंगा, तो उसको एक हूफ रहेगा। जो मैं पेरेंट्स के कहता हूँ आप पढ़ के दिखाओ फिजिक्स, आप पढ़ के दिखाओ केमिस्ट्री, अरे हम जो पढ़े उसे ज्यादा है, दोगुना है, ये तो हम बच्चों को कह नहीं पा रहे, वरना ये बहुत ज्यादा है ये सिलेबस, लेकिन अभी हम वो नहीं कह पा रहे क्योंकि वो पढ़ेगा नहीं सचमुच, ये लेंथ ऑफ द सिलेबस, उसका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत टफ है जी, जी। ये हम जैसा सोच रहे ऐसा नहीं है, वो 3-4 सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उसको वो जस्टिफाई कर रहा है जी। जो कभी के क्या होते हैं उसके आईक्यू के हिसाब से प्लस माइनस चलते रहते, तो हम जस्ट केयर टेकर है उसके, तो हमको वो ड्यूटी करनी है, वो उसका फ्यूचर है, वो अपने हिसाब से निकल जाएगा, थोड़ी ठोकर भी लगेगी, कहीं प्लस माइनस भी हो जाएगा, तो सर टेंशन ना लीजिए। दूसरी बात मैडम ने बहुत अच्छी की, किसी के बच्चे के साथ कंपेयर मत करो, वो तो लाते हैं और अपने बच्चे को बाद में भी ला सकते हैं। हमने मैडम मेरे जीवन में इतने बच्चे देखे, 10वीं में मैंने कह रहा था कि भाई बेटा तेरा तो पास होना बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, वो पास होकर मुझे दिखाया, सही बात। मैंने 12वीं साइंस के लगा बेटा तू पास हो जाएगा आगे कुछ कर नहीं पाएगा, उसको मैंने नायब कलेक्टर देखा है, अब सोचिए आप कभी भी किसी की भी किस्मत चमक सकती है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी स्पार्क लग जाता है, जो एकदम डल बच्चा लगता है वो कॉलेज में जीएस भी बन जाता है,
तो वो तो डिपेंड है कि कहाँ कैसे फ्रेंड मिल गए, कैसे प्रोफेसर मिल गए, तो पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। आज आपने बहुत अच्छी बात की, पेरेंट्स को आप भी रिलैक्स रहिए, 7 तारीख से 19 तारीख तक एग्जाम है, आप भी एंजॉय कीजिए और छुट्टी लीजिए, बैठिए बच्चों के पास, बट हम भी पढ़ेंगे तेरे सच्चा। सही बात है। तो उसमें क्या है, बहुत अच्छी बात सर ने सर आपने बताई कि आज का युग सचमुच एक कंप्यूटर युग हो गया है, बच्चे नहीं एक मशीन है जो सिर्फ पढ़े पढ़े पढ़े। हर पेरेंट्स को यह है कि मेरा बच्चा 90 लाए। दर्शक मित्र आपको बता दे कि अगर हर 90 लाएगा तो फिर पीछे वाला कहाँ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात आज सर के साथ में सचमुच ये जानने को मिला कि कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हुए हम कहते हैं कि 7 to 19 जब तक आपके बच्चों के एग्जाम है आप उनको साथ दीजिए, उनको बहुत प्यार से उनका टाइम मैनेजमेंट करिए, उनको अच्छी तरह से पढ़ने का उसका टाइम सेट करिए, उनके साथ में थोड़ा सा टाइम गुजारिए, उन्हें कहीं आपकी जरूरत है, वो आपकी कहीं हेल्प चाहते हैं, अगर आप उनके साथ में बैठते भी हो तो भी उनको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में कोई बैठा है, इस तरह से आप बच्चों को हेल्प कीजिए। और आप सभी को हम यहाँ से सर और मैं आपके बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए आज का ये कार्यक्रम खत्म करते हैं। एग्जोटिक वेब मीडिया आप अगर देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे दर्शक मित्रों को फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि जिससे वो अच्छा स्कोर किस तरह से कर पाए। धन्यवाद।